Good morning, dear children. In S block elements, group 2, today we will see its reactivity towards acids. So, how do they react with the? They react like all the alkaline earth metals, they readily react with acids, liberating the dihydrogen. So, the formula will be M plus 2HCl will give us MCl2 plus H2 dihydrogen will be liberated, where M is the group 2 elements. Right, if you take any example, so let us talk about magnesium. So, Mg plus 2HCl will give us MgCl2 magnesium chloride plus H2 will be liberated. Similarly, you take any exa other example, calcium plus H2SO4, so it will give us CaSO4 plus H2. सो इन दिस वे वी कैन राइट मेनी एग्जाम्पल्स ओके नाउ कम्स रेड्यूसिंग नेचर लाइक एल्कली मेटल्स दे ऑल आर वेरी स्ट्रांग रेड्यूसिंग एजेंट्स बट दोनों में कंपेयर करोगे तो एल्कली मेटल्स से ये थोड़ा वीक रेड्यूसिंग एजेंट होगा दे आर स्ट्रांग बट वेन दे आर कम्पेयर विद एल्कली मेटल्स तो एल्कली मेटल्स विल भी मोर रेड्यूसिंग इन दोनों में एल्कली और एल्कालाइन में यू अंडरस्टैंड दे हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल जो टेबल देखोगे तो दे हैव द नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड दैट आल्सो इज लार्ज सो जो जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होगा इतना स्ट्रांग वो रेड्यूसिंग एजेंट होगा रेड्यूसिंग पावर इज लेस देन कोरस्पोंडिंग एल्कली मेटल्स राइट नाउ आई सेड यू दैट दे रेड्यूसिंग पावर इज स्ट्रांग बट इट इज लेस देन कोरोस्पोंडिंग एल्कली मेटल्स बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू इन कंपेरिजन टू लाइन अर्थ मेटर्स ऑफ इट्स ग्रुप ठीक है सबसे ज्यादा uh, uh, सबसे लेस रेड्यूसिंग पावर किसका होगा बेरिलियम का इन इट्स ग्रुप देन बेरिलियम टू प्लस आयन यानी बेरिलियम आयन जो है दैट इज स्मॉल एंड हैज हाई हाइड्रेशन एंड थेल्पी एंड बिकॉज इट इज स्मॉल एंड इट्स लार्ज वैल्यू ऑफ एटमाइजेशन एंड थेल्पी इज देयर अंडरस्टूड बेरीलियम टू प्लस आई एन इज स्मॉल एंड इट हैज हाई हाइड्रेशन एनथेरेपी एंड लार्ज वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन एन थेरेपी वॉट इज एटोमाइजेशन एन थेरेपी विटा एटोमाइजेशन एन थेरेपी ऐसे डिनोट करते हैं डेल्टा एटी एच एच मीन्स एनथेरेपी इज टोटल एन्थेरेपी चेंज वाई सेपरेटिंग द ऑल द एटम्स लाइक जितनी एटम्स uh, हैं उसको अलग अलग सेपरेट करने में जितनी एनर्जी चेंज होती है दैट इज एज टोटल एनथेरपी चेंज इज एज एटोमाइजेशन थेपी नाउ सोल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया लाइक आई हैड शोन यू इन एल्कली मेटल्स ऑल्सो दैन दे आर डिजॉल्व इन अमोनिया लिक्विड अमोनिया दे फॉर्म अ डीप ब्लू कलर्ड सोल्यूशन ओके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सो यर यू सी ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना है बट व्हाट एवर इज रिटन इन द टेक्स बुक एम प्लस एक्स प्लस वाई अमोनियम विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, दिस इज कैटायन एज यू सी टू प्लस आयन इज देयर सो कैटायन एंड दिस इज एन आयन दिस एन आयन ये ई क्या है बेटा ई मीन्स इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड द डीप ब्लू कलर इज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स ठीक है बस इतना ही तुम्हें समझना है कि ई फॉर इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डीप ब्लू कलर ऑफ द कंपाउंड देन एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम वॉट इज एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम बेरिलियम लाइक एज आई सेड यू इट इज इट डज नॉट रिजेंबल अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप रेदर इट एक्जिबिट्स रिलेशन विद Aluminium diagonal relation with aluminium. So, should I write here different from other elements of the same group? Different properties, different properties than other elements of the same group. उंड एंड हैज डायगेल रिलेशन विद एल्यूमिनियम यानी इसके कैरेक्टर्स किससे मिलते हैं एल्यूमिनियम से रीजन क्या क्या है वॉटर पहले यह देखते हैं कि वॉट आर डेनोमिलस बिहेवियर्स बैरिलियम सो बेरिलियम की साइज है नोमेटा बहुत स्मॉल होती है सो इट हैज एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइज

डू यू सी टू वन एस टू टू एस टू और टू पी सिक्स आता है यानी टू पी ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो देअर तो पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं थ्री थ्री एंड एस का एक यानी फोर ऑर्बिटल्स हैं तो बैलेंस शेल में कितने हो गए फोर ये इससे ज्यादा एक्सटेंड कर ही नहीं सकता है देयर फोर इट हैज़ द कोआर्डिनेशन नंबर मैगजिम कोर्डिनेशन नंबर इज फोर इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस वाई बिकॉज टू में तो डी आता ही नहीं है ये अंडरस्टूड अगर होना होता तो ये एक्सटेंड किस तक करेगा पी तक जा सकता है फाइन देअर फॉर इट इज सेड दैट इट द वैलेंस शेल वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल हैज ओनली फोर ऑर्बिटल्स एक एस का और तीन पी के सो थ्री प्लस वन इज फोर वेयर एज अदर मेंबर्स कैन हैव कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिक्स बाय यूजिंग द डी ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स हैं अदर मेंबर्स के पास सो दे कैन एक्सटेंड थ्री से तो डी शुरू हो जाता है थर्ड पीरियड से ओके okay? <coughs> then comes oxides and hydroxides of beryllium are amphoteric in nature i hope everybody understands what is amphoteric amphoteric means bo both acidic as well as basic character both acidic as well as basic character whereas hydroxides of other elements are not amphoteric in nature now comes diagonal relationship between beryllium and aluminum

जब ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स इट फॉर द अटैक ऑफ एसिड ओके इन एक्सेस ऑफ एल्कली बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स डिजोल्व एंड गिव बेरिलेट आयन इफ एक्सेस ऑफ एल्कलीज यूज तो बेरिलेट आयन इज फॉन्ड इफ एक्सेस ऑफ एल्कलीज यूज तो एल्यूमिनेट आयन इज फॉन्ड दिस इज बेरिलेट आयन एंड दिस इज एल्यूमिनेट आयन ओके शुड आई राइट हियर आयन करेक्ट देन इन वेपर फेज दो तरह के फेज हैं सॉलिड फेज एंड वेपर फेज इसमें बेरिलियम में तो इन वेपर फेज बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव सी एल माइनस ब्रिज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर बेरिलियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड ओके सो दे बोथ आर हैविंग सीएल ब्रिज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर लेट मी शो यू हियर आई हैव ड्रॉन बीई सी एल टू बीई सी एल टू बीटर ध्यान से देखना सो इट इज इट इज एग्जिस्टिंग एज ए डाइमर इसको क्या कहते हैं डाइमर दो है ना ज्वाइन किया बीई सी एल टू बीई सी एल टू एंड ए एल सी एल थ्री ए एल सी एल थ्री इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग एज डाइमर सो ए एल सी एल थ्री दे बोथ आर ज्वाइन एंड सी एल ब्रिजड सी एल ब्रिजड इज देयर ओके

एंड सर्टेन क्वेश्चन लाइक एक क्वेश्चन है अपने पास राइट फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन एन ए टू ओ टू सो वेन एवर यू फाइंड चिल्ड्रेन यू टू बाई योर सेल्फ वेन एवर यू फाइंड एन ए टू ओ टू तो ध्यान में रखना है कि दिस इज अ पेरोक्साइड इन पेरोक्साइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस वन इस ऐसा रिजेंबल करके ही आपको बनाना है इन पैरोक्साइड इन पेरोक्साइड The oxidation number of oxygen is minus 1. So, these things we have to consider while finding the oxidation state. Whereas, normally oxygen ka kya hota? Minus 2. So, you go through the lesson, learn the questions, and write the answers which are given by G S C B and which are um, in the portion of GSEB, right? Thank you.